मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। बिग बॉस 11 आ चुका, धमाकेदार था। मैं मजबूरन ये शो शायद देख नहीं पाया, लेकिन इस शो के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। पूरी की पूरी डिटेल्ड अपडेट मैंने फॉलो की है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता चली है कि लास्ट में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन था जहाँ पर शिल्पा और हिना को गाना गाना था। यानी कि जो एविक्शन हुआ उसके बाद, यानी कि एविक्शन था प्रियंका, उसके बाद प्रियंका जाने के बाद सिंगिंग कॉम्पिटिशन रखा गया। जब दोनों को गाना गाना लगा और दोनों ने गाना जब गाया तो और लाइव ऑडियंस वोटिंग थी, जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो जीतेगा। तो ऑडियंस ने जो चुना है वो शिल्पा शिंदे को चुना है। और आखिर क्या था मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। शिल्पा ने जो गाना गाया वो गाना गाया मो आई थिंक मोह सॉरी ये गाया आपका क्या होगा जनाबे आली। शिल्पा को मिले 77% वोट्स। और जब मोह मोह के धागे गाया हिना खान ने तो हिना को मिले 65% वोट। पहले हिना गाने आई 65%, उसके बाद शिल्पा को मिले 77%। यानी कि लाइव ऑडियंस वोटिंग में शिल्पा ने पछाड़ दिया है हिना को। जो लोग ये सोचते हैं कि हिना की बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत फेमस हो है, वो 8 साल से सीरियल्स में काम किया है, तो आपको बता दूँ शिल्पा भी किसी से कम नहीं है। और ये एक प्री फिनाले आप समझ लीजिए, क्योंकि शिल्पा को जब लाइव वोटिंग में इतनी बुरी तरह से हरा चुकी है शिल्पा, जिसे देख सकते हैं आप 77% वोट मिले उन्हें 65%, तो आप समझ लीजिए इस शो का विनर कौन होगा, शिल्पा या हिना। ज़रूर आपके जवाब जानना चाहता हूँ मैं। और क्या लगता है आपको, कैसा लगा शो आज का, ज़रूर बताइए। और कहीं ना कहीं शिल्पा एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट समझ के उभरते नज़र आ रही है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल कितना ही, बाय।